खबरें फटाफट में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। ताला नहीं टूटा तो खिड़की तोड़, घर में घुसा चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात, नकदी गहनों पर भी हाथ किया साफ। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी, 9 और डाक सेवक बर्खास्त, शिमला डाक मंडल में कर रहे थे नौकरी। घुमारवी के हटवाड़ में खोला जाएगा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत। माता बज्रेश्वरी मंदिर में सहायक आयुक्त ने लिया विकास कार्यों का जायजा, मार्बल बिछाने के कार्य को समय से पहले पूरा करने के निर्देश। भाखड़ा बांध की लेफ्ट गैलरी में घुसा बरसाती पानी, अफरा तफरी का माहौल। सलूनी के पंगोला नाले का जलस्तर बढ़ा, नाला पार कर रहे बच्चों में मची चीखों पुकार, ग्रामीणों की मदद से बाल बाल बचे। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रोजाना बढ़ रही रोगियों की संख्या, रोज पहुंच रहे 1200 से 1500 मरीज। डीसी कुल्लू से मिला गुसैनी स्कूल का प्रतिनिधिमंडल, पुल गिरने से स्कूल पहुंचना बना चुनौती, बच्चों के भविष्य पर खतरा। मंडी में हिमाचल की आवाज के ऑडिशन, प्रतिभागियों ने बिखेरा आवाज का जादू। प्रशासन और सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती बना नशा, अब शिक्षकों के साथ मिलकर होगा काम। स्वारघाट में करंट लगने से झुलसे एसडीओ और बिजली कर्मी, पीजीआई रेफर। ऊना में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, जल शक्ति विभाग की स्कीमों के आसपास भी खनन पर रहेगा प्रतिबंध। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए सुगम दर्शन योजना का किया शुभारंभ, मंदिर न्यास की बढ़ेगी आय। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।